अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शानजाज किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों ने मेरी लास्ट रेसिपीज़ जो मैंने बनाई थी वो ट्राई की हैं, कैसा रहा आपका फीडबैक का? मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद आवर रेसिपी। आज हम बना रहे हैं ट्रेडिशनल स्टाइल चिकन कढ़ाई। ये भी जैसे मेरी बाकी रेसिपीज़ होती हैं, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली और ऑथेंटिक रेसिपी है। होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें इंक्लूडेड है। अच्छा, इसके लिए मैंने 1/2 kg चिकन लिया है और उसकी स्मॉल साइज़ में जो है वो कटिंग करवा ली है उसके पीसेस की। बहुत बड़ा चिकन अच्छा नहीं बनता टेस्ट में। और उसके साथ हमें इसके लिए चाहिए होंगी 3 medium sized अनियन, इनको थिनली स्लाइस कर लिया है, और साथ में 2 medium sized टोमेटोज, और गार्निशिंग के लिए ये जिंजर और कुछ 3 green chilies वो मैं एंड पे डालूँगी, और 1/4 cup ऑयल। उसके साथ है 1 tablespoon हीप्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon बटर, ये भी बिल्कुल हम लास्ट में ऐड करेंगे, और 1 teaspoon साबुत ज़ीरा, 1 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला, 1.5 teaspoon सॉल्ट और 1 tablespoon क्रश चिली। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमने ऐड कर दिया, अब इसमें अनियन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन सा इसको हमें कलर देना है। जीरा ऐड कर देंगे, जब तक प्याज का कलर गोल्डन होता है जीरा भी फ्राई हो जाएगा। और प्याज पे हमारा डिजायर्ड कलर आ गया, अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। साथ ही हम अपना चिकन भी ऐड कर दें। अब 5 minutes के लिए उसको फ्राई करेंगे। जी तो 5 minutes हो गए मुझे इसको फ्राई करते हुए, इसका कलर भी कुछ नाइस गोल्डन सा हो गया। अब हम इसमें टमाटोज ऐड करते हैं। और इसको मिक्स करके लिड को कवर करके लो फ्लेम पे रखेंगे फॉर 5 to 10 minutes। इतनी देर में चिकन भी गल जाएगा और हमारे टमाटोज भी सॉफ्ट हो जाएंगे। जी अब हम इसको चेक करते हैं, टमाटो हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले एंड पे डालने का पर्पज़ यही है कि उससे सालन का कलर चेंज नहीं होता। सॉल्ट, ड्राई कोरिएंडर, हल्दी भी चली गई और ब्लैक पेपर और क्रश रेड चिली, गरम मसाला हम एंड पे डाल। अब इसे मिक्स करते हैं। अब
अब इसको जस्ट 5 मिनट्स के लिए हम भून के, तो गरम मसाला, ग्रीन चिली और जिंजर जो हमने जूलियन कट किया हुआ था वो डाल के तो दम पे रख देंगे जी। अब मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। हम इसमें डालेंगे जिंजर, ग्रीन चिलीज और जो गरम मसाला हमारे पास बचा था वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। अब ये बटर हम ऊपर से डाल रहे हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर, शमी, जी। तो ये हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी है। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, रेसिपी को लाइक करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।